हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सिंपल एवरीडे मेकअप है जो अभी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इसी मेकअप को कैरी करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यूज़ किया है ये पोर मिनिमाइज़र प्राइमर बाय इनसाइट। तो इसको मैं जस्ट ऐसे अपने हैंड पे लूँगी। तो इस तरह से मैं इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से अपनी फिंगर्स के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी। अंडर आई एरिया पे भी अच्छे से ब्लेंड करूँ। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसके बाद वो है फाउंडेशन। भी जो मैंने ली है ना, ये मामा अर्थ की है, तो ग्लो सीरम फाउंडेशन। ये इतनी हैवी नहीं है, इसमें मेरा शेड है 02 क्रेम ग्लो। तो इस तरह से मैं फाउंडेशन को लेके अब डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये मेरे पास कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि मैंने गीला करके स्क्वीज़ आउट कर लिया है और इसके साथ मैं अच्छे से अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल इवनली ब्लेंड करूँगी मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर्स के साथ। इसके बाद अब मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं और थोड़ी सी यहाँ पे माउथ के आसपास पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, इसमें मेरा शेड है 03। तो ये मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लूँगी ऐसे। कंसीलर को मैं इस तरह से डॉट डॉट करके अपने फेस पे जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत है, माउथ के आसपास, अंडर आइज़ में डॉट डॉट करके लगाऊंगी और इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इवनली ब्लेंड करूंगी। बिल्कुल आइज़ के ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो एक्सेस होगा मेरे ब्यूटी ब्लेंडर में उसी को मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा टैप कर लूँगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे फेस को काफ़ी हद तक इवन आउट कर दिया है। जो भी डार्क सर्कल्स थे, जो डार्क स्पॉट्स थे, वो बहुत अच्छी तरह से कवर हो गए हैं। ये मेरे पास है मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट। इससे मैं थोड़ा सा ब्रश में कॉम्पैक्ट लेके पूरे फेस पे हल्का हल्का स्प्रेड करूँगी और ज़्यादा ओवर नहीं करूँगी। मेबलिन का कॉम्पैक्ट बहुत ही अच्छा है। इसको फेस पे लगाते ही इसने मेरे फेस को एकदम मैटिफाई कर दिया है, जो मेरा फेस काफ़ी हद तक इवन टोन हो गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इस स्पूली ब्रश से थोड़े से आईब्राउज सेट करूँगी ऐसे। ब्राउ किट है यह वेट एंड वाइल्ड की, इससे मैं थोड़े से अपने ब्राउज को सेट कर लूँगी इस तरह से, बिल्कुल नेचुरल से लगे, जो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करने। बस ये ब्लश पैलेट है, ये मार्स की फैंटेसी फेस पैलेट है, ये मैंने ऑनलाइन ली थी, तो इसी में से मैंने ये सेकंड नंबर वाला जो पिंक शेड है वो ब्लश लगा लिया। अब इसमें जो ये वाला हाइलाइटर है, ये मैं ऐसे हाइलाइटर लेके जहाँ जहाँ मैंने ब्लश लगाया ना वहाँ पर मैं थोड़ा ऐसे हाईलाइट करूँगी अपनी चीक बोन्स पे। ऐसे बिल्कुल सूनी सूनी लग रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अपनी जो पिंक शेड होती है कोई भी जो उसको लेके ऐसे आईलिड पे थोड़ा थोड़ा प्लेस कर दो, इसी ऐसे प्लेसिंग कर दो आईलिड पे, तो इससे क्या होगा, मतलब थोड़ा सा एक आईज को डेफिनेशन मिल जाती है, ठीक है। आईलाइनर वैसे है ये मेबेलिन का है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं आईलाइनर, लेकिन मैं आईलाइनर स्किप करूँगी आज। तो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का काजल। तो इस तरह से मैं अपनी दोनों आईज़ की वाटर लाइन पे अच्छे से काजल प्लेस कर दूंगी। मैं यूज़ करूँगी ये मेबलिन का कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस तरह से, ये देखिए अब मैंने दूसरी साइड भी लगा लिया इस तरह से। अब मोस्टली मेरा लुक कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा अगर बाल आप कोई हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अगर खुले छोड़ के जाना चाहते हो तो खुले भी छोड़ सकते हो। ये देखिए अब कैसा लग रहा है, थोड़ी सी लुक अच्छी हो गई ना एकदम। जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो थोड़े सा चाहते हैं कि हम प्रेजेंटेबल नज़र आएँ, जो लड़कियाँ कॉलेज पसंद करती हैं मेकअप करके जाना थोड़ा बहुत, तो वो ऐसे कर सकती हैं। ये सेटिंग स्प्रे है, अगर आप चाहें तो सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, NY बे का है मेरे पास, ड्यूई फिनिश वाला। इसके बाद अब मैं इस लुक को कंप्लीट करूँगी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाऊँगी
ये है मेरे पास लैक्मी की कुशन मैट लिपस्टिक, इसमें जो शेड नंबर है ये है CP11, ये पिंक शेड है, जो फुशिया पिंक होता है ना वो शेड, इस तरह से। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा लाइट करना हो तो कोई लाइट शेड लेके ना, तो उससे थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा ये। जैसे मैं ये ले रही हूँ, मेरे पास ये छोटी छोटी लिपस्टिक्स हैं जस्ट हर्ब्स की, इसमें जो शेड मैंने अभी पिक किया है वो है बेरी न्यूड। तो ऐसे एक्स्ट्रा जो है रिमूव करके इस तरह से, अब देखिए ये जो पहले काफी डार्क लग रही थी लिपस्टिक अब थोड़ी सी हल्की सी डाउन हो गई है, तो ये कलर ज्यादा बेस्ट लग रहा है ना, इस मेकअप के साथ अच्छा लग रहा है। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, एवरीडे के हिसाब से जो मतलब एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप आप चाहते थे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा, और मेरे पे ये लुक कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइएगा।